स्वागत है आपका अपने चैनल मार्कोस ट्यूटर्स में। नाउ लेट्स स्टार्ट। 15 + 3y = 9। मुझे y का वैल्यू चाहिए, तो ये 15 जो यहाँ पे आया उसको वहां पे भेज दो। यहाँ पे प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो -15 आ जाएगा। अब बताओ 9 - 15 क्या आएगा? उल्टा करके देखो, 15 - 9 क्या है? 6। तो 9 - 15 आ जाएगा -6। ठीक है, अब 3y = -6 आया। ओके, मुझे वाई का वैल्यू चाहिए, 3 को उधर भेजो। 3 यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा? -6/3। अब -6/3 सॉल्व करो, क्या आएगा? 3 1 3 2 क्या बचा? -2/1। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर खुद आता है आंसर, तो -2/1 भी आंसर क्या आएगा? -2। अब मुझे x का वैल्यू मिला 3, y का वैल्यू मिला -2, तो सॉल्यूशन xy, x पहले लिखा है तो x के जगह पे लिखूंगा मैं 3 और y के जगह पे लिखूंगा -2। हो गया, ये जो फर्स्ट मेथड से क्या था मैंने वैसे ही किया है ना। यहाँ पे किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी देखो ये प्लस था और ये माइनस था, सीधा ऐड करेंगे तो +3 - 3 जीरो हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 नहीं होता, कुछ और होता, तो हमको वही इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो मल्टीप्लाई किया था वैसे करना पड़ता। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक बार वीडियो पॉज करके देख लो पूरा अच्छे से, कहीं पे डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, और ये दो इक्वेशन दिए हैं मैंने, एक के नीचे एक लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब क्या होता है? सॉल्व करना मतलब जो भी इसमें वेरिएबल दिए ना क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है वेरिएबल्स? a एंड b। दिख रहा है दोनों इक्वेशन में a एंड b है, तो ये a और b का वैल्यू निकालना मतलब आपको सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, वो पूछ रहा है a और b का वैल्यू दे दो मुझे। अब यहाँ पे देखो ये +5 भी है, यहाँ पे भी +5 भी है। हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? अगर ए और बी में से एक में से किसी को हटा देंगे, बी को हटा देंगे तो मुझे ए का वैल्यू मिल जाएगा ना, या फिर ए को हटा देंगे तो बी का वैल्यू मिल जाएगा, अकेला करते हैं ना। तो देखो यहाँ पे बी को हटाना कितना आसान है, ये +5 भी है। अगर मैं यहाँ पे -5 भी कर दूँ, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ये वाले इक्वेशन को इसमें से माइनस कर दूँ, तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि 5b - 5b जीरो आ जाएगा, बचेगा सिर्फ ए। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या मिलेगा? तो यहाँ पे दोनों को ऐसे लिख लिया, सब्ट्रैक्ट करते वक्त जो सेकेंड इक्वेशन है उसकी सारी साइंस चेंज हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो उसका साइन हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो वो भी हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी देखो कुछ नहीं मतलब प्लस होता है ना, तो उसके नीचे भी साइन क्या आ जाएगा? माइनस। अब देखो +5 भी, ये वाला साइन मत देखना अभी, ये वाला साइन गया, इधर जो साइन था वो गया, ये वाले इक्वेशन में साइन नीचे दिया हुआ है अलग से। तो +5b - 5b, कोई भी नंबर को खुद से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आता है? जीरो। तो ये सीधा हो जाएगा कट। ठीक है, बचा गया 3a - a। माइनस ए मतलब क्या? कुछ नहीं आ गया, मतलब 1 ना, तो 3a - 1a क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 2a = 26 - 22। 26 में से 22 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 4। ओके, अब मुझे चाहिए a का वैल्यू, तो ये 2 को इधर फेंक दो। 2 को उधर फेंकेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर a = 4/2। कट करो इसको, 2 1 2 2 2/1 क्या होता है? 2/1 होता है 2, तो मुझे आंसर मिला देयरफॉर a = 2। आया समझ में? तो a = 2 मिल गया। बच्चों मैंने थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ताकि एक ही पेज पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होगी। तो मुझे a = 2 मिल गया। अभी a = 2 का वैल्यू आपको कहीं पे सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन 2 में भी कर सकते हैं, 1 में भी कर सकते हैं, किस में करें? 2 में करके देखते हैं तो क्या मिलेगा मुझे। तो सेकेंड इक्वेशन है a + 5b = 22, उसमें उसमें a = 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो a के जगह पे लिख दो 2, तो मुझे क्या मिलेगा? देयरफॉर 2 + 5b = 22। अब मुझे b का वैल्यू चाहिए, तो मुझे इसको अकेला करना पड़ेगा, ये 2 को वहां भेजो, यहाँ पे 2 कुछ नहीं मतलब प्लस, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर 5b = 22
माइनस टू, ये माइनस टू कहाँ से आया, ये वाला टू वहां जाके, तो मिला देयर फॉर 5b = 22 माइनस टू क्या हो जाएगा 20। देयर फॉर अब मुझे b का वैल्यू चाहिए, तो 5 को भी वहां पे फेंक दो, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, देयर फॉर b = 20/5। कट करो, 5 1 = 5, 5 4 = 20, तो मुझे क्या वैल्यू मिला बी का, देयरफॉर b = 4। आया समझ में? तो मुझे यहाँ पे a का वैल्यू 2 मिला एंड b का वैल्यू 4 मिला, तो आंसर ऐसे लिखेंगे a, b = 2, 4, क्योंकि a पहले लिखा b बाद में लिखा, तो 2, 4 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आप अगर ऐसा भी लिख सकते हैं, इज द सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन, वो भी सही है, ऐसा लिखेंगे तो भी सही है। ओके, एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लो कैसे सॉल्व किया है। सिंपल सा था, कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करना ही नहीं था, सीधा सब्ट्रैक्ट किया, हमें ए का वैल्यू मिल गया। ओके, नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, x + 7y = 10 एंड 3x - 2y = 7। ये मैंने ऐसे लिख लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सीधा ऐड करेंगे तो कुछ कट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, कट नहीं होगा, यहाँ पे भी ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कट नहीं होगा, सेम नंबर होगा तो कट होता है ना, तो यहाँ पे सेम नंबर नहीं है, तो इसमें हम लोगों को कुछ तो मैनिपुलेशन, कुछ तूफानी करनी पड़ेगी कट करने के लिए। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, दोनों को सेम बनाना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन देखो यहाँ पे उसने कुछ नहीं दिया, मतलब 1, इसको मैं इजीली 3 बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा 3, ये पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके, अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई होकर वो 3 बन जाएगा, फिर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो एक्स कट जाएगा और मुझे वाई का वैल्यू मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को पूरा 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख दिया, हम लोगों को इसे दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, देयरफॉर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मिलेगा 3x, इधर प्लस है तो नीचे प्लस आएगा, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मिलेगा 21, और y बाजू में तो ये हो जाएगा 21y = 3 × 10 हो जाएगा 30। एक नया इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 3। आया समझ में? अब आप ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखेंगे तब आपको समझेगा, इधर भी 3x इधर भी 3x, अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। कैसे उल्टा करोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्यों कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे माइनस है ना, अगर ये नीचे आएगा सब्ट्रैक्शन में तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो थोड़ा इजी हो जाता है ना, सबको प्लस ज़्यादा पसंद आता है माइनस से, पता नहीं क्यों बट आता है। तो मैं इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखो क्या आता है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 3 लिख लिया, उसमें से मैं सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले साइन चेंज होगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है वो क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ पे भी देखो साइन नहीं दिया मतलब प्लस, क्या बन जाएगा माइनस। अभी सब्ट्रैक्ट करो क्या मिलेगा, देखो 3x - 3x दोनों कट जाएगा और बन जाएगा 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 21y + 21y + 2y, मतलब 21 + 2 कितना होता है 23, तो ये मुझे मिलेगा 23y = 30 - 7, 30 में से 7 निकाला तो मुझे मिलेगा 23, तो मुझे मिला 23y = 23। अब अगर y का वैल्यू चाहिए तो 23 को उधर फेंको, कौन से 23 को, ये वाले 23 को तो यही रखना है, y को अकेला करना है, तो ये 23 यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड होगा ना, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मुझे नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा देयरफॉर y = 23/23, देयरफॉर y = 1, बिकॉज 23 वन्स आर कैंसिल हो जाएगा ना, तो मुझे y का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। अब y का वैल्यू मिल गया, उसके बाद क्या करना है, सबको पता है ना क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कौन से इक्वेशन में करेंगे, इसमें करूँ कि इसमें करूँ, किस में भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन 2 में कर दूँ, माइनस से तो डर लग रहा है क्या, नहीं ना, चलो इक्वेशन 2 में करते हैं। तो यहाँ पे
सब्सटीट्यूटिंग वाई इक्वल टू वन इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू ये दिया था 3x-2y = 7। अब यहाँ पे y के जगह पे हम डालेंगे 1, तो क्या आ जाएगा, therefore 3x-2। ये जो y दिया है यहाँ पे y के जगह पे आ जाएगा 1, तो 1 डाल दो वहां पे, इक्वल टू 7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आएगा 3x, 2 इंटू 1 क्या होता है 2, इक्वल टू 7। देयरफॉर अब मुझे ये x का वैल्यू चाहिए, तो पहले इसको अकेला करो, ये माइनस 2 को उधर भेजो, माइनस 2 है तो वहां जाके प्लस 2 बन जाएगा, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 7+2। 7+2 क्या होता है, 7+2 होता है 9। अब मुझे x का वैल्यू चाहिए, 3 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके 3 जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/3। कट करो, 3 1 3 3 3, तो मुझे क्या वैल्यू मिल गया x का, मुझे x का वैल्यू मिल गया 3। तो बच्चों y का वैल्यू भी मिल गया, x का वैल्यू भी मिल गया, फाइनल आंसर लिख सकते हैं हम लोग, दोनों वैल्यू पता है तो कैसे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा इसका सोल्यूशन, x कॉमा वाई 3,1, x का वैल्यू 3, y का 1 इज द सोल्यूशन। ऐसे मत बोलना सर y का वैल्यू पहले निकाला, तो यहाँ पे पहले y लिखते हैं फिर x लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते, पहले x का वैल्यू लिखते हैं फिर y का वैल्यू लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, जब हम ग्राफ वाला मेथड करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, एक्स वाई टर्म्स में लिखना है ताकि ग्राफ जब बनाए तब वहां पे कंफ्यूजन ना हो। अभी से प्रैक्टिस करते हैं तो वहां जाके हमको कुछ नया नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके पूरा सोल्यूशन देख लो। बच्चों ये सॉल्व करने का ये एक ही मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं, दिस इज जस्ट वन ऑफ द मेथड्स, ठीक है, तो अगर मेथड किसी और ने कुछ अलग से किया तो ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो भी सही है, लेकिन आंसर दोनों में सेम आना चाहिए, कोई भी मेथड करो आंसर यही आएगा। ओके, आ गया समझ में, चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 2x-3y = 9 एंड 2x+y = 13। ये क्वेश्चन तो कहीं पे देखा हुआ लग रहा है ना, देखा हुआ लग रहा है क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा लिया है आपको, कब, जब एक्सप्लेन करा था ना अभी स्टार्टिंग में, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया था वो ये लिया था, देखो सेम है 2x-3y = 9 एंड 2x+y = 13। इसको हमने दो मेथड से सॉल्व किया था, एक बार दोनों मेथड अच्छे से देखो। मेथड वन में मैंने इक्वेशन टू को 3 से मल्टीप्लाई किया था, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो वीडियो रिवाइंड करके ये पूरा सोल्यूशन देख लीजिए, 10 मिनट मैंने खाली ये क्वेश्चन कराया दो अलग अलग मेथड से, ठीक है, फिर उसका आंसर लिखा था ये। ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए क्वेश्चन टू के, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म कर दें। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या किया, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू का हमने क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 ये सॉल्व किया, और हमने समझा कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, उसके अलग अलग मेथड्स देखें। ओके, अच्छे से कर लेना बच्चों, ये इक्वेशंस आपको आगे जाके काम आने ही वाले हैं, जरूरी नहीं है खाली इस चैप्टर में, दूसरे चैप्टर्स में भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है, और सिंपल सी चीज़ है, एकदम ईजी है, स्कोरिंग है, तो अच्छे से कर लेना। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे चैप्टर्स के डिटेल सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।